क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 7 वाटर ज्योग्राफी वीडियो 2। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फ्रेश एंड द सलाइन वाटर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेश एंड सलाइन वाटर। द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशंस, seas, rivers, lakes, ice caps, glaciers, etc. In this statement, we identified that where we can find water at this planet. And the ice cap is the new word for you. Please write the meaning first of all, that what do you mean by ice cap? Ice cap is like a thick, please write along with me, a thick layer of ice and snow over glaciers, यानी कि आपके ग्लेशियर के ऊपर का पार्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है आइस की, उसको आप क्या कह रहे हैं? आइस कैप कह रहे हैं। थिक लेयर ऑफ आइस एंड स्नो ओवर वॉट? ओवर ग्लेशियर। The water available on the surface of the earth is of two kind, यानी कि बेटा हमारे पास पूरे planet पे जो water की availability है वो दो types में होती है। पहली है आपके पास fresh water की, दूसरे है आपके पास saline water की। Basically बेटा जब भी हम लोग fresh और saline water की बात करते हैं तो बेटा आपने previous classes में भी ये term सुने हैं, सलाइन वर्ड भी आपको पता है, कई बार आपने सुना है। जब भी हम लोग बात करते हैं फ्रेश वाटर के रिगार्डिंग, तो जो वाटर हमें रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में अवेलेबल होता है उसे आप फ्रेश वाटर की तरह या फ्रेश वाटर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सलाइन वाटर, तो सलाइन वाटर आपको कहाँ मिल रहा है? ओशंस में, सी में, ठीक है। तो सलाइन का मतलब क्या है? सॉल्टी वाटर। सलाइन क्या है? सॉल्टी वाटर है, ठीक है। आगे सुनते हैं। फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व सॉल्ट। बेटा ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर में नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर मिलता है। ऑल दो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हम लोग बेटा क्या कहते हैं कि आपके इस अर्थ में आपका 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, ठीक है। ज़रा प्लीज़ परसेंटेज में ध्यान से सुनेंगे। 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ओनली 3% ऑफ दिस वाटर इज़ फ्रेश। 3/4 का 3% क्या है? फ्रेश वाटर है। एंड 2% इज फ्रॉम द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। और जो 3/4 का 2% है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? या तो आइस कैप से या फिर ग्लेशियर्स से। इसके बाद बेटा एंड द ग्लेशियर्स एज अ रिजल्ट वी ऑल्सो लेफ्ट विद ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर फॉर आर डे टू डे लाइफ यूजेस। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू यूज टू अस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, जिसको आप रिवर्स और लेक्स में मिलते हैं, एज ग्राउंड वाटर, जिसको हमने देखा था कि कैसे कि आपके पास यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन के बाद कुछ पानी लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था दैट लैंड में पानी, अर्थ में पानी, इट सीप्स डाउन, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर हो गया एंड एज अ वाटर वेपर्स, जो कि ट्रांसपिरेशन की फॉर्म से और एवेपरेशन की फॉर्म से आसमान में वाटर वेपर्स की तरह या हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। देन फ्रेश वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा इक्वालिटी नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके पास अर्थ के
कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर पानी कम अमाउंट में मिलता है। जैसे कि हम चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे कि हमने पूरी अर्थ को क्या किया, हमने दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया है। हमने वर्ड पहले पढ़ा है, हमने अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर है एक साउथ हेमिस्फेयर है। और देखने पर पता चलता है कि साउथ हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी अवेलेबल है, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो ग्लेशियर्स वाली फॉर्म में हो। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर को इसीलिए हम लोग वाटर हेमिस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, और ये पूरा नेचुरल है बेटा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कहीं से पानी जा रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर पानी एवेपोरेट कहीं से होता है, बारिश कहीं से होती है, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड मोर इन द रीजन वेयर द प्रेसिपिटेशन इज़ मोर एवेपोरेशन देन एवेपोरेशन एंड लेस इन रीजन वेयर एवेपोरेशन इज़ मोर एंड मोर देन द प्रेसिपिटेशन। प्लीज बेटा इसे ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर इज फाउंड मोर इन द रीजन्स, उन रीजन्स में ज़्यादा मिलता है। कहाँ क्या मिलता है? फ्रेश वाटर कहाँ पर ज़्यादा मिलता है? जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, रेन से, जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? जहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि इवेपोरेशन। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड मोर इन रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज़ मोर देन दी इवेपोरेशन, यानी कि आपका प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन वहाँ पर कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। और इसी का अपोजिट है, उन जगहों पर प्रेसिपिटेशन, एक बार प्लीज़ बेटा ये वाला स्टेट, पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट एक बार हम क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड मोर इन द रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द एवेपोरेशन। बेटा हम लोग इन पॉइंट्स में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास फ्रेश वाटर कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है। जिन रीजन्स में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलता है, जिन रीजन्स में प्रेसिपिटेशन कम होती है वहाँ पर फ्रेश वाटर कम मिलता है, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है वहाँ पर फ्रेश वाटर ज़्यादा है, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है वहाँ पर फ्रेश वाटर कम है। और एक किससे कम और किससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, जब वो इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है किससे? इवेपोरेशन से। यहाँ पर हम देख रहे हैं इवेपोरेशन ज़्यादा है। एक बार फिर से देखेंगे, फ्रेश वाटर ज़्यादा है जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? एवेपोरेशन से ज़्यादा है। दूसरा, आपका प्रेसिपिटेशन कम है तो फ्रेश वाटर कम है, क्यों? क्योंकि आपका एवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं से पानी इवेपोरेट हो रहा है और कहीं पर बारिश हो रही है, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा बेटा हम लोग जब बात करते हैं आपके सलाइन वाटर की, तो सलाइन वाटर बेसिकली क्या है? सलाइन वाटर इज़ बेसिकली दैट ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर। आपके ओशंस 97% सरफेस वाटर रखते हैं आपके पास, बट दिस वाटर इज सलाइन। पर प्रॉब्लम क्या है? ये सलाइन है। ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड इज देयरफॉर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओशन वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर, यानी कि आप उसको पानी ही वेपरेट करेंगे, आप सिर्फ उससे सॉल्ट निकाल सकते हैं और आप उससे कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग देखते हैं दैट की ओशन वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, मोस्टली सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl कहते हैं। ऑटोमेटिकली ये बेटा एक परसेंटेज बताई गई है कि 1000 ग्राम, मतलब बेसिकली कि
1000 ग्राम्स ऑफ ओशन वाटर कंटेन्स 35 ग्राम्स ऑफ डिजोल्व वाटर, पानी इवेपोरेट करके आप सॉल्ट निकाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्टीनेस, या फिर हम लोग जब बात करते हैं कि सॉल्टीनेस की बात कर रहे हैं, खारापन जो है पानी में उसकी हम बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ओशन टू द अदर, बेटा ये प्लेस टू प्लेस, ओशन टू ओशन वेरी करता है, ठीक है। अब ये सलाइन वाली चीज़ जो है कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, हम इसके बारे में भी देखते हैं। तो किसी भी पार्ट में आपके पानी की सेलिनिटी या आपके पानी का जो सॉल्टी नेचर है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो तीन फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला है रेट ऑफ एवेपोरेशन, पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है? अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशंस, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशन, कितना पानी उसमें मिलता है रेगुलर आके, उससे उसकी सॉल्टीनेस थोड़ी सी कम होती जाती है, फिर आगे आगे ट्रांसफ़र होती जाती है, इससे भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर इज एनक्लोज्ड सी, यानी कि पानी किसी और से मिलता ही नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया पे बंधा हुआ है, सॉल्टीनेस जो आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही उसी में फिक्स है, ठीक है, तो वो एनक्लोज्ड सी है। तो तीन हमने फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े? रेट ऑफ इवेपोरेशन, सेकेंड पॉइंट हमने देखा अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशंस, थर्ड हमने पढ़ा एनक्लोज्ड सीज। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे।